तो दोस्तों आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Xiaomi Mi A1 जो कि Xiaomi का पहला ड्यूल कैमरा वाला स्मार्टफोन था जो कि स्टॉक एंड्रॉयड पे काम करता था। साथ ही Xiaomi ने यह बोला था कि इस फोन के साथ आपको पाई पाई का हिसाब मिल जाएगा, मतलब कि पाई तक के अपडेट आपको गारंटी के साथ मिलेंगे। लेकिन अभी इंडिया के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बोल रहे हैं कि भैया अभी तक हमें अपडेट नहीं मिला है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे, उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयंक टेक यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मयंक और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, जी नहीं यहाँ पे पैसे वाली बात नहीं है, यहाँ पे बात है यूज़र्स की। तो अभी कुछ दिनों पहले Xiaomi ने अपने बीटा यूज़र्स के लिए पाई का अपडेट जो है रोल आउट किया, लेकिन स्टेबल अपडेट अभी तक इंडिया में नहीं दिया। वहीं अगर मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूँ जैसे कि नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, वहाँ पे इसका स्टेबल अपडेट पाई का मिल चुका है, लेकिन इंडिया में ना लॉन्च करने का स्टेबल अपडेट यही रीज़न था क्योंकि वहाँ पे अपडेट लॉन्च होने के बाद कई ज़्यादा बग्स देखने को मिले, जिनमें से एक बग ये था कि जैसे ही जो भी यूज़र्स थे, खैर ये बग काफ़ी कम लोगों के साथ हुआ लेकिन फिर भी हुआ है, वो ये कि जैसे ही जो भी यूज़र था उसने अपने फ़ोन को पाई पे अपडेट किया, उसके बाद से उसका फ़ोन जो है निपट गया, मर गया सीधे सीधे, क्योंकि उसका फ़ोन जो है उसके बाद चालू ही नहीं हुआ, मतलब कि वो बूट लोडर में ही फंस के रह गया फ़ोन, लेकिन ऑन नहीं हो पाया। दूसरा बग जो निकल कर आया वो ये कि अपडेट करने के बाद फ़ोन तो चालू हो गया लेकिन जो उसके फ़ोन के सिग्नल हैं वो ही गायब हो गए, उड़ गए। तो इस तरह के कुछ बग्स जो हैं वहाँ पे निकल कर आए हैं और Xiaomi का कहना ये है कि भाई वहाँ पे तो हमारे जो Mi A1 के यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं, लेकिन इंडिया में जो यूज़र्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं Xiaomi Mi A1 के। इस वजह से वो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के यूज़र्स के साथ हो, क्योंकि अगर आपको इस तरह का बग देखने को मिलेगा तो भैया सिंपल चीज़ है, आप तो Xiaomi की ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाओगे। इस वजह से Xiaomi ने अभी स्टेबल अपडेट को रोक के रखा है। अभी जब तक उनका कहना यह है कि जब तक पूरे बग्स हम फिक्स नहीं कर लेते हैं तब तक अभी स्टेबल अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि अभी इस महीने के मतलब दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। खैर डेट तो अभी कंफर्म नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं ईमानदारी से बोलूं तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको बिना बग का आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर बस भगवान भरोसे ही रहना पड़ेगा। खैर अब ये बात जितने लोगों को भी हड़बड़ी है तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, सब्र का फल मीठा होता है, दुर्घटना से देर भली, सब कुछ आप जान लो, कुछ दिन रुक ही जाओ, क्योंकि अगर रुकने पर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि इन्होंने जब अपना ओरियो का अपडेट रोल आउट किया था तो उसे भी इन्हें 2 दिन बाद ही रोल बैक करना पड़ा था। रीज़न यही था कि उसमें एक बग निकल कर आया था जो कि जिससे हो रहा ये था कि जितने भी मैसेज थे आपके, जो टेक्स्ट मैसेज पड़े हुए थे, वो पूरी तरह से साफ़ हो जा रहे थे। मैं भी Mi A1 का यूज़र हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो भैया बेटर यही होगा कि आप कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुकने के बाद आपको जो भी अपडेट मिलेगा वो ज़्यादा बेटर होगा कि बिना बग के मिले तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो। Xiaomi का सोचना ये है और कहना ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप इसे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कीजिए, साथ ही लाइक कमेंट शेयर ये सब तो कर ही दो मेरे भाई। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।